बिहार में राजनीति एक बड़े ही रोचक मोड़ पर है। जो कभी नीतीश कुमार के सियासी दुश्मन थे, अब वो नीतीश के पीएम बनने की दुआ कर रहे हैं, और जो दशकों तक नीतीश के साथी थे वो पूछ रहे हैं कि नीतीश को नेता किसने बनाया। सबसे पहले सुनिए लालू की पार्टी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को। बिहार की तरफ से आज के दिन नीतीश को हम सभी लोगों ने मान लिया है। बिहार ही भारत को सही नेतृत्व दे सकता है। वैसे इस मांग के पीछे थ्योरी ये दी जा रही है कि आरजेडी चाहती है कि नीतीश बिहार को तेजस्वी के हवाले कर दे और केंद्र की राजनीति करें, लेकिन केंद्र में काबिज नेता कह रहे हैं कि नीतीश नेता ही बने हैं बीजेपी की बदौलत। नीतीश बाबू, कोई वैकेंसी नहीं है 24 में। बहुत निर्णायक प्रभावी रूप से नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार पहले भी बीजेपी और आरजेडी से दोस्ती करके अलग हो चुके हैं। नीतीश ने एक बार विपक्ष पर धोखा देने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी कह रही है कि धोखा तो सुशासन बाबू ने दिया। वह आदतन सभी को धोखा देते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।